नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसाद जादव, आपका स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। और आज हम लोग चेक करने वाले हैं सिग्नेट आरओ बूस्टर पंप्स को। तो दोस्तों, सिग्नेट एक मेक इन इंडिया कंपनी है जिसने आपके लिए लाए हुए 100 जीपीडी में दो मॉडल, एक है पर्ल और एक है डायमंड। तो दोस्तों, सिग्नेट ने सबसे पहले आपके लिए इंट्रोड्यूस किया है मेक इन इंडिया सेल्फ सक्शन पंप, जो पहले जुआनली, ईचेन और अदर कंपनीज में अवेलेबल होता था, लेकिन इंडियन मैन्युफैक्चरर्स में से बहुत कम पंप्स हैं यह। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि कैसे ये पंप परफॉर्म करते हैं, एज वेल एज हम लोग इनको लाइव टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि ये कितना फ्लो देते हैं, एज वेल एज कितना प्रेशर देते हैं और कितना करंट कंज्यूम करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स माय फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये सिग्नेट कंपनी का मेक इन इंडिया आरओ बूस्टर पंप है। ये काफी हैवी पंप है और इसके अंदर दो मॉडल्स आते हैं, एक है डायमंड और एक है पर्ल। और डायमंड जो है, इसकी खासियत यह है कि ये 45 mm फुल कॉपर आर्मेचर का बना हुआ है, यानी कि प्योर कॉपर 100%, और ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा इंडिया में ही बनता है, पूरे पूरे इंग्रेडिएंट्स जो है सारे के सारे इंडियन यूज किए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये इंडियन प्रोडक्ट है और हमें मेक इन इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। साथ में मेरे पास में है ये पर्ल, जो सेम सिग्नेट कंपनी का ब्रांड है। ये जो है थोड़ा प्राइस इफिशियंट इको प्रोडक्ट है कंपेयर्ड टू डायमंड, लेकिन ये भी परफॉर्मेंस में बिल्कुल डायमंड की तरह ही है। बस दोनों का फर्क इतना ही है कि इसमें जो है आपको प्रेशर ज्यादा मिल सकता है, इसका जो सेल्फ सक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू पर्ल। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए चलते हैं हमारे टेस्टिंग बेंच पे और देखते हैं कि दोनों पंप कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पहले आपको सेटअप समझा देता हूं। ये हमारा टेस्टिंग बेंच है जिसपे हम लोग आरओ मेम्ब्रेन एज वेल एज बूस्टर पंप्स टेस्ट करते हैं। तो आज हम लोग टेस्ट कर रहे हैं सिग्नेट बूस्टर पंप को, और ये जो मॉडल है ये है पर्ल मॉडल जिसको हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं इसको हम लोग क्या क्या टेस्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ सेटअप, यहाँ पे हमने सेडिमेंट और कार्बन लगाया हुआ है, इनलाइन सेडिमेंट और कार्बन, और यहाँ पे हमने SV लगाया हुआ है योंगचांग का। और इसमें आप देख सकते हैं प्रेशर गेज है और यहाँ पे वोल्ट और एम्पियर मीटर है, और हम लोग इसको चेक करने वाले 450 के FR पे, 450 के फ्लो रिस्ट्रिक्टर पे। हमने 24 वोल्ट का यहाँ पे SMPS लगाया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग मेम्ब्रेन जो इस्तेमाल करने वाले हैं टेस्टिंग के लिए वो है एक्सियन की 100 GPD की एक्स्ट्रा इको मेम्ब्रेन, और देखेंगे कि कैसे फ्लो मिलता है। ये जो मेम्ब्रेन है बेसिकली ये 100 GPD की है और ये ऑलमोस्ट 1000 TDS तक चलने वाली मेम्ब्रेन है। तो देखेंगे कि ये कैसे फ्लो देता है और कितना फ्लो हमें मिलता है सिग्नेट बूस्टर पंप के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पंप को चालू करते हैं और देखते हैं कि कितना प्रेशर लेता है। यहां पे प्रेशर आप देख सकते हैं 80 PSI तक गया हुआ है। जो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, ये 80 PSI तक यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और करंट जो है वो अराउंड 1.08 एम्पियर पे करंट लिया हुआ है। और पंप भी बहुत साइलेंट है, बिल्कुल आवाज है बहुत कम कर रहा है। तो अभी हम लोग फ्लो चेक करेंगे कितना फ्लो हमें मिल रहा है। रेडी, 1 2 3 GO। तो जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं ऑलमोस्ट 390 का फ्लो आया हुआ है, 0.390 × 60 minutes = 1 घंटे में जो है आपको मिला है
23.4 लीटर का फ्लो सिग्नेट बूस्टर पंप के पर्ल मॉडल में, तो ये बहुत ज़बरदस्त फ्लो हमको मिला हुआ है। चलिए देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करता है। इसकी खासियत ये कि आपको प्रेशर ज़्यादा मिलेगा अगर आप ये पंप यूज़ करते हैं, जहाँ पे हाई टीडीएस है वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमें प्रेशर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंप को और देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है। तो ये स्टार्ट हो चुका है और जैसे कि हम लोग प्रेशर देख पा रहे हैं, प्रेशर अभी हमें मिल रहा है 90 PSI का, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रेशर है। ऑलमोस्ट 90 PSI पे स्टेबल प्रेशर मिल रहा है। एम्पियर भी आप देख सकते हैं 0.89 से लेके 0.90 एम्पियर तक जा रहा है, तो ये एक अच्छा प्रेशर है। वेरियस मेरा यहाँ का जो टीडीएस है ये काफ़ी कम है। रॉ वाटर टीडीएस जो है, जहाँ पे रॉ वाटर टीडीएस ज़्यादा होगा वहाँ पे आपको अच्छा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग इसका फ्लो टेस्ट करना चाहेंगे, तो चलिए फ्लो टेस्ट लेते हैं। वन टू थ्री गो। तो हमें मिला हुआ है सेम 390 ml का फ्लो, जो कि आता है 390 × 60 मिनट्स इज इक्वल टू 23.4 लीटर्स का फ्लो। तो दोस्तों आपको सिग्नेट कंपनी के दोनों बूस्टर पंप्स कैसे लगे जरूर बताइएगा, और इसकी आपको प्राइजेस और जो कुछ भी डिटेल चाहिए होंगी तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से एक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज़ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को सपोर्ट कीजिए और जितना हो सकता है उतना मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बाय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन से जो व्यूज़ है बहुत कम आ रहे हैं, तो एक जो घंटी की बटन है वो भी ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।